रेप की है। आप भी यही सोचेंगे कि लो इसमें कौन सी नई बात है, ऐसी खबरें तो आए दिन अखबारों में होती रहती हैं। लेकिन कितनी शर्म की बात है ना कि हम सिर्फ अखबारों में खबर को पढ़कर पन्ने पलट देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उस पीड़ित इंसान का दर्द झेला है, उसकी तकलीफ को महसूस किया है? अगर किया होगा तो आप भी इस खबर को सुनकर दहल जाएंगे। ये खबर है राजस्थान के अलवर जिले की, जिसे पूर्वी सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज अलवर जिले की पहचान अपराधों से की जा रही है। आए दिन कोई ना कोई घटना यहाँ देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये जिला नकारात्मकता की सुर्खियों में बना हुआ है। थानागाजी गैंगरेप केस, सभी मामले खबरों में छाए हुए हैं। यहाँ अपराधों को रोकने के दावे तो कई किए जाते हैं, मगर हकीकत में ऐसा कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जाता। महिलाओं से रेप के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। हाल ही में राजस्थान के अलवर में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आरोपों के मुताबिक यहां के तिजारा थाना क्षेत्र में चार युवक एक नाबालिग लड़की को अगवा कर अपने साथ ले गए और तीन अलग अलग जगहों पर जाकर उससे गैंगरेप किया। नाबालिग लड़की से गैंगरेप की सूचना पर पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर पीड़िता को मुक्त कराया। पुलिस ने पीड़ित लड़की का मेडिकल करवाकर पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पूरी घटना इस तरह की है कि 26 जनवरी को उनकी 13 वर्षीय बेटी खेत पर गई। दोपहर लगभग 2 बजे साकिब निवासी अरंड का और उसके 3 साथी लड़की का अपहरण कर ले गए। इसके बाद आरोपियों ने अरंडका गांव की काली पहाड़ी में नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। ये दरिंदे यहां भी नहीं रुके, इन लोगों ने लड़की को बंधक बनाकर बारी बारी से रेप किया। पीड़ित लड़की के परिजन उसकी तलाश करते रहे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। अंत में उसके घर वाले और ग्रामीण तिजारा थाना पुलिस को साथ लेकर अरंडका गांव पहुंचे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक यूं ही दरिंदगी का ये सिलसिला चलता रहेगा और कब तक मासूम लड़कियां ऐसे ही शिकार बनती रहेंगी, और पुलिस और प्रशासन और न्याय व्यवस्था बस देखती ही रहेगी, आखिर कब तक।